सितारगंज में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कबड्डी खिलाड़ियों ने कबड्डी मैचों में जमकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इन मैचों में बाजपुर की टीम ट्रॉफी पर कब्जा कर 61,000 रुपये का पहला इनाम जीती। सितारगंज के मलपुरी के युवाओं ने एक शानदार पहल की और वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय सरदार गुरदीप सिंह जोहल की स्मृति में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा मोहन सिंह ने गुरु अरदास कर किया। कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि कबड्डी का खेल प्राचीन समय से ही भारत में लोकप्रिय रहा है। कबड्डी रोमांच से भरा हुआ खेल है। इसमें युवाओं को अपनी ताकत के साथ साथ बुद्धिमत्ता का भी प्रदर्शन करना होता है। युवाओं को ऐसी प्रतियोगिताओं में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। खेलों से सिर्फ प्रतिभागियों की बौद्धिक क्षमता में विस्तार होता है बल्कि एकजुट रहने व संघर्ष करने की ताकत भी मिलती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नानकमत्ता गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हरविंदर सिंह चुक्का कमेटी के द्वारा सम्मान किया गया। आयोजन समिति के द्वारा ओपन वर्ग में विजेता बाजपुर की टीम को ट्रॉफी के साथ 61,000 रुपये नगद दिए गए। पूरा परिवार आपकी पीढ़ियाँ कई पीढ़ियाँ उनको बर्बाद कर देता है, इसलिए जो खेल की ओर अग्रसर हो नशे से बिल्कुल दूर रहें। ये टूर्नामेंट पांचवा है हमारा, स्वर्गीय सरदार गुरदीप सिंह जोहल जी की याद में हमारे दादाजी। तो इसमें आजकल के जो लड़के नशे में बढ़ चुके हैं उसको बचाने के लिए ये हमारा पांचवा कबड्डी कप। मैं पूछ रहा हूँ, कार्यक्रम एक दिन का रहेगा, आज जैसे स्टार्ट हो गया शाम तक रहेगा। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 63 किलो वर्ग की टीमें और ओपन वर्ग में पंजाब की 2 टीमें और एक यूपी और एक उत्तराखंड, 4 टीमें ओपन की रहेंगी और 63 किलो की 8 टीमें रहेंगी। हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है, कभी भी अगर आप उससे पहले अपनी फिटनेस की तरफ ख्याल रखनी चाहिए, क्योंकि अगर फिटनेस है तो हमारा स्वस्थ है, तो बिना स्वस्थ के नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।